साइंस पढ़ने वाले बच्चे भले ही साइंस के कई कॉन्सेप्ट्स को समझने में परेशानी महसूस करते हों, लेकिन ये सच है कि विज्ञान हर दिन नई नई खोज और तरक्की कर रहा है। हमारे साइंटिस्ट चांद और मंगल पर ही नहीं, उससे भी आगे निकल चुके हैं। ब्रह्मांड के कई नए नए रहस्यों की खोज हर दिन हो रही है, मगर जहाँ खोज और रहस्यों का जिक्र आता है, वहाँ हमारी छोटी सी पृथ्वी भी किसी से कम नहीं। जी हाँ, धरती पर कई जगह और रहस्य ऐसे छिपे हुए हैं जिनको समझने की कोशिश में हमारे वैज्ञानिक भी हार गए। आसमान और ब्रह्मांड तो हमारी पहुंच से काफी दूर हैं, लेकिन यहीं पृथ्वी पर कई गड्ढे अपनी गहराई में कई अनोखे रहस्य दफन किए हुए हैं। वैसे सड़क पर चलते हुए छोटे मोटे गड्ढे दिख जाना तो हम इंडियंस के लिए एक आम सी बात है, मगर क्या आपने कभी दुनिया के सबसे गहरे गड्ढे के बारे में सुना है? अगर नहीं तो जरा सोच कर देखिए, इंसान कितना गहरा गड्ढा खोद सकता है, और अगर दुनिया में ऐसा कोई गहरा गड्ढा है तो वो कहाँ है, और वो दिखता कैसा है, और सबसे बड़ी बात कि वो बना कैसे होगा। आपके दिमाग में चल रहे इन सभी सवालों के जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। नमस्कार और स्वागत है आपका द मिस्टिका लैंड की आज की इस वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कोला सुपर डीप बोरहोल के बारे में। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के इस सबसे गहरे गड्ढे को नर्क का द्वार भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि नर्क क्यों, वो भी बताएंगे। अब इसे नर्क का द्वार क्यों कहा जाता है ये जानने से पहले जान लें कि ये खतरनाक गड्ढा रशिया में मौजूद है और इसका नाम है कोला सुपर डीप बोरहोल। ये पूरी दुनिया में मौजूद गड्ढों में से सबसे गहरा बोरहोल है, लेकिन ये किसने बनाया और क्यों? दोस्तों, कोला सुपर डीप बोरहोल कोई प्राकृतिक गड्ढा नहीं है, बल्कि इंसानों के ही हाथों बना एक आर्टिफिशियल गड्ढा है जो दुनिया के कई देशों के बीच हुई एक्सप्लोरेशन की जंग के दौरान बना था। दरअसल हुआ यूं कि साल 1970 के आसपास सभी देश विज्ञान, अंतरिक्ष और धरती के नीचे के सीक्रेट्स जानने और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए थे। ऐसे में रूस के वैज्ञानिकों ने भी अपनी खोज से अमेरिकी वैज्ञानिकों को चुनौती देने के लिए जमीन के नीचे एक गड्ढा खोदना शुरू किया। सबसे ज्यादा गहरा गड्ढा खोदने की चाहत में वो इसे ड्रिल करते हुए इतना आगे निकल गए कि लगातार 19 साल तक खोदने के बाद उन्होंने तकरीबन 12 किलोमीटर की गहराई तक खोद दिया। वैसे तो जमीन के नीचे इतनी गहराई तक पहुंचना अपने आप में ही एक बड़ी बात है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि धरती की सतह से लेकर इसके कोर तक की पूरी गहराई का ये 0.2% भी नहीं है। इस खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों के हाथ कुछ खास जानकारियां भी लगी, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के चलते अचानक हालात कुछ इस कदर बिगड़ गए कि उन्हें खुदाई का काम वहीं रोकना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वैज्ञानिकों को यूं ही अपना काम रोकना पड़ा? वैज्ञानिकों ने इतना गहरा गड्ढा तो खोद लिया, साथ ही किसी नई खोज की तलाश में उन्होंने कई साल भी बिताए, मगर उनके हाथ कुछ लगा भी या नहीं? इसके जवाब में वैज्ञानिकों का कहना है कि इस होल को खोदते हुए उनके हाथ तीन खास चीजें लगी। सबसे पहले तो इस गड्ढे के 7 किलोमीटर नीचे उन्हें कुछ खास गैसेस और ढेर सारा पानी मिला। इसके अलावा कुछ नए नए प्रकार के सूक्ष्म जीव इतनी गहराई पर उन्हें मिले, जो काफी हैरान कर देने वाली खोज थी। और वो इसलिए क्योंकि वैज्ञानिकों की तीसरी खोज के मुताबिक धरती के वो जितना नीचे जाते गए वहाँ का टेम्परेचर उतना ही ज्यादा बढ़ता गया। ऐसे में इतनी गहराई और इतने ज्यादा टेम्परेचर में किसी भी जीव का सर्वाइव करना लगभग नामुमकिन सी बात थी। इस गड्ढे की खुदाई को वहीं रोक देने का मुख्य कारण भी बढ़ता तापमान ही था। रिसर्चर्स के मुताबिक इस गड्ढे के सबसे गहरे हिस्से का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका था। खुदाई में इस्तेमाल होने वाला इक्विपमेंट इतने हाई टेम्परेचर्स पर काम करने के लिए नहीं बने थे। ऐसे में अपने काम को इससे आगे बढ़ाना वैज्ञानिकों के लिए मुमकिन नहीं था, और उन्होंने खुदाई का काम वहीं रोक दिया। दोस्तों, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये गड्ढा सीधे नरक तक जाता है। कुछ ने तो इसमें से अजीब तरह की चीखने की आवाजें सुनाई देने का दावा भी किया है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, इसका रहस्य तो आज तक नहीं खुल पाया, मगर एक सच जरूर है कि इस जगह को फिलहाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, रिसर्चर्स और विजिटर्स दोनों के लिए। क्यों, ये भी एक रहस्य है। अब ये सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इस गड्ढे में कुछ पैरानॉर्मल हो सकता है, और क्या नई तकनीक और इक्विपमेंट्स के साथ इसकी खुदाई को फिर से शुरू नहीं किया जाना चाहिए, जिससे हम जान सकें कि और कितना गहरा खोद सकता है इंसान? अपने जवाब कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहें द मिस्टिका लैंड परिवार के साथ यूट्यूब और अब फेसबुक पर भी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।